बलरामपुर मंडल रेल प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे आदित्य कुमार का कौवापुर रेलवे स्टेशन पर आगमन हुआ। पूर्व जिला पंचायत सदस्य अब्दुल हई की अगुवाई में ग्रामीणों ने इंटरसिटी ट्रेन ठहराव व अन्य मुद्दों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। डीआरएम ने रेलवे स्टेशन का औचक निरीक्षण भी किया। कर्मचारियों को निरीक्षण के दौरान आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। कौवापुर रेलवे स्टेशन पर डीआरएम के आगमन पर ग्रामीणों ने स्वागत किया। उन्होंने स्टेशन व प्लेटफार्म का अवलोकन निरीक्षण करके जिम्मेदारों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इसी दौरान क्षेत्र के अब्दुल हई, शासकीय अधिवक्ता पवन कुमार वर्मा, पिंटू वर्मा, शमा परवीन, हमीद आलम शेर, वीरेंद्र सिंह, अमित कुमार, दिलीप, मोहित खान सहित तमाम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि गोंडा जंक्शन से गोरखपुर के रूट पर पड़ने वाला कौवापुर रेलवे स्टेशन बहुत ही पुराना है। साथ ही देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का संसदीय क्षेत्र भी रहा है, जिससे उनका सपना था कि इस रेलवे स्टेशन पर तमाम गाड़ियों का संचालन करके ठहराव कराया जा सके, जिससे उनके सपने को साकार करने के लिए केंद्र व प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसी के उद्देश्य से सुंदर रेलवे स्टेशन व इंटरसिटी ट्रेन व अन्य ट्रेन का ठहराव कराया जाए। इसी स्टेशन पर पहले 6 ट्रेनों का ठहराव होता था जब ये लाइन मीटर गेज था, लेकिन जब से ब्रांड गेज हो गया उसके बाद क्षेत्र के 2 ब्लॉक के ग्रामीणों को तमाम समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। क्षेत्र में आपातकालीन पड़ने पर ट्रेन की सेवा नहीं मिल पाती, इसीलिए इंटरसिटी ट्रेन का ठहराव होना अति आवश्यक हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि यदि हम सभी क्षेत्रवासियों को लखनऊ या अन्य किसी जनपद या अन्य किसी प्रदेश में जाना हो तो तुलसीपुर या फिर बलरामपुर ही रेलवे स्टेशन से सुविधाएं प्राप्त होती हैं। पूर्व जिला पंचायत अब्दुल हई ने बताया कि तकरीबन लाखों से अधिक की जनसंख्या में ये रेलवे स्टेशन पड़ता है, जिससे लाखों से अधिक की जनसंख्या के लोगों को इस स्टेशन से ट्रेन की सुविधा भरपूर मिल सकती है। वहां मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर जब अधिक ट्रेनों का ठहराव होता था तो हम सभी का व्यापार भी अच्छे से चल रहा था, हम सभी का जीवन यापन अच्छे से हो रहा था, लेकिन जब से यहां पर रेलवे स्टेशन कौवापुर पर ट्रेनों का ठहराव बंद कर दिया गया तभी से हम लोगों के व्यापार में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। कौवापुर के ग्रामीण व आसपास गांव के ग्रामीणों ने डीआरएम महोदय से अनुरोध करते हुए कहा कि महोदय समय अनुसार यहां पर कौवापुर रेलवे स्टेशन पर भी इंटरसिटी ट्रेन का ठहराव कराया जाए। इंटरसिटी ट्रेन के ठहराव होने से लखनऊ जैसे शहर में लोगों को आने जाने में काफ़ी सुविधाएं मुहैया हो जाएंगी। ग्रामीणों का मानना है कि बेहतर इलाज के लिए यदि लखनऊ जाना हो तो हमें तुलसीपुर रेलवे स्टेशन या फिर बलरामपुर रेलवे स्टेशन का ही सहारा लेना पड़ता है। कौवापुर रेलवे स्टेशन तकरीबन लाखों की जनसंख्या के बीच में स्थित है। पूर्व में 6 ट्रेनें रुकती थी, अब वर्तमान में सर हमारे यहाँ ट्रेनें नहीं है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये क्षेत्र है, यहाँ आते थे और हम लोगों को सुविधा देते थे सारी चीज़ें। अब कोई ट्रेन बची नहीं सर, यहाँ दो दो ब्लाकें पड़ती हैं सर, जो कि सैकड़ों गांव जो है पीड़ित है, और उसके बाद जो यहाँ ब्लाक है, स्कूल है और सोसाइटी है, और उसके बाद जो है हॉस्पिटल है, और लोग जो है पीड़ित हैं सर। हम लोगों को जो है तुलसीपुर बलरामपुर जाना पड़ता है सर। तो आपसे सर अपील है कि जो है खास करके गुजारिश है कि जो है यहाँ सर इंटर सिटी एक ट्रेन जो इधर से जाती है उधर से आती है घूम के लखनऊ से, और एक सर पर मेल है, दो ही ट्रेन करवा दीजिए सर। कम से कम ये कौवापुर ख़त्म हो गया सर, हम लोग दुकानदार रो रहे हैं सर, यहाँ कुछ बचा नहीं है सर।